नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 1, वर्ड ऑफ फ्लावर्स, पार्ट 2। सो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी कैन सी दैट फ्लावर्स पिक्चर, राइट, पिक्चर कार्ड्स एंड आइडेंटिफाई द फ्लावर्स नेम, राइट। In this video, we will continue with our chapter, activity 3. A. Listen to your teacher, she reads the story. आपके टीचर जो ये स्टोरी रीड कर रहे हैं, वो आपको ध्यान से सुनना है. B. Read it silently. उसके बाद आपको क्या करना है? इसे silently read करना है. Read aloud some parts. Is directed by your teacher. और इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको टीचर कर देगी या एक एक पैराग्राफ रीड करने को बोलेगी, वो आपकी टीचर से ध्यान से सुनना है, जो वो समझाते हैं, जो वो एक्सप्लेन करते हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा, राइट। सो द स्टोरीज नेम इज द मैजिक गार्डन। तो मैजिक गार्डन यानी एक ऐसा बगीचा जो जादुई बगीचा है, राइट। मैजिक गार्डन यानी कि हम किसे बोलते हैं मैजिक गार्डन? जादुई बगीचे को। तो हम वन लाइन रीड करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अगर उसमें बीच में हार्ड वर्ड्स आते हैं, हार्ड वर्ड्स यानी कि जो हम न्यू वर्ड्स और मीनिंग लिखते हैं, तो हम बीच में ही स्टॉप करके उसका मीनिंग देख लेंगे। सो इन दिस स्टोरी इन द फर्स्ट पैराग्राफ द मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन था वो कहाँ पे था? सो वो स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर था। तो क्या आप जानते हो प्रिटी का हमें अगर सिनोनिम्स लिखना है, यानी कि प्रिटी का मीनिंग हमें लिखना है, तो प्रिटी यानी सुंदर। तो सुंदर का इंग्लिश क्या होता है? लवली एंड गुड लुकिंग। आप यहाँ पे ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ गार्डन के आगे हम लवली लिखते हैं। इट्स वेरी लवली गार्डन, राइट। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर और रोज, ये दोनों जो फूल थे वो दीवार से लगे हुए खड़े थे, यानी कि दीवार के आगे खड़े हुए थे। देयर वेर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेनीज। मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेनीज नाम के भी फ्लावर्स वहां पे थे, राइट। तो आई थिंक आपने पॉपीज और पेनीज फर्स्ट टाइम सुना होगा, सो आई थिंक आपको ये सर्च करना पड़ेगा, राइट। और लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये फ्लावर कौन से हैं। तब तक आपको गूगल या तो फिर यूट्यूब के थ्रू इन दोनों पिक्चर्स को सेव करना होगा, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन। सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर गार्डन एंड द फ्लावर्स डांस एंड सेंग हैप्पीली। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या दी गई है? जो सनशाइन है, जो इस मैजिक गार्डन में जितना सनशाइन आता है, उतना सनशाइन और किसी गार्डन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि गार्डन में बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, राइट। तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो सनशाइन ट्रीज के ऊपर चला जाता है और जो ट्रीज होते हैं उसका परछाया नीचे जमीन पे पड़ता है, इसलिए नीचे सनशाइन नहीं पहुंचता है। लेकिन इस मैजिक गार्डन में जो पूरे प्लांट्स और ट्रीज थे, वो पूरे कहाँ पे थे? वॉल की ओर, तो बीच पे खाली रहेगा, तो यहाँ पे सनशाइन बहुत ही अच्छा आता है। तो सनशाइन का मीनिंग क्या होगा? ब्राइट सनलाइट,
यानी कि जो सूरज की किरणें आती है वो ब्राइट, वो ज्यादा आती है. एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली, और जो फूल थे वो खुशी के मारे गा रहे थे और नाच रहे थे. तो हैप्पीली का मीनिंग क्या होगा? चीयरफुली और विथ प्लेजर, यानी कि खुशी के साथ गा रहे थे, हंसी मजाक में गा रहे थे. दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या कह रहे थे? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमें हजारों मालियों हैं, हमारे पास तो हजारों माली है. दे वे टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और ये माली कौन थे? कौन से माली की बात कर रहे थे? आपको पता है एक गार्डन में एक माली होता है, एक गार्डनर होता है, ज्यादा से ज्यादा दो, राइट? आधा काम ये करता है, आधा काम वो करता है. लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि हंड्रेड ऑफ लिटिल गार्डन्स, यानी कि सौ या हजार है, तो कौन हो सकते हैं? तो ये जो ट्रीज है, ये जो फ्लावर्स है, वो किसकी बात कर रहे थे? चिल्ड्रन की, जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें वो गार्डनर्स बुलाते हैं. इन द थर्ड पैराग्राफ वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स, एक सुबह सनी यानी ब्राइट मॉर्निंग और क्लाउडलेस मॉर्निंग, ज्यादा से ज्यादा उसमें धूप होती है और बहुत गर्मी होती है, तभी क्लाउड नहीं दिखाई देते, राइट? पूरा का पूरा जो स्काई था वो क्लियर था, राइट? द सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स, जो फ्लावर्स थे वो बर्ड्स के साथ बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे? आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे ये सारे बच्चे बहुत ही पसंद है. बट आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, और उनमें से भी वो जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. से द पॉपी, अब पॉपी क्या कह रहा है? आई लाइक दैट दे ब्रिंग देयर वॉटरिंग कैंस एंड वॉटर माई थर्स्टी रूट्स, मुझे वो क्यों पसंद है मैं आपको बताऊं? तो पॉपी नाम का फ्लावर्स बताता है कि जब वो अपने वॉटरिंग कैंस में पानी लाते हैं और मेरे थर्स्टी रूट्स, थर्स्टी यानी प्यासा, मेरे रूट्स को जब प्यास लगती है तब वे इन्हें पानी पिलाते हैं, राइट? तो यहाँ पे थर्स्टी का मीनिंग क्या होगा? फीलिंग अ नीड फॉर वॉटर, हमें पानी की जरूरत होती है, तब कैसे प्यास लगती है और फील आती है, उसको हम थर्स्टी बुलाएंगे. यस सेड द मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड करते हैं, हाँ तेरी बात सच है पॉपी, द चिल्ड्रन आर गुड टू अस टू, वो हमारे लिए अच्छे भी है, वो हमें रोज पानी पिलाने आते हैं, राइट? दे डिग द ग्राउंड सो वेल, और वो ग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से डिग करते हैं. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड्स, अभी प्लांट्स के साथ फ्लावर के साथ यहाँ पे बर्ड्स भी बातें करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम सब उन चिल्ड्रन को लव करते हैं. दे आर काइंड एंड दे फीड अस, वो बहुत ही दयालु है छोटे छोटे बच्चे, और वो हमें खाना भी खिलाते हैं. तो फ्लावर्स का फीड यानी फ्लावर्स क्या खाते हैं? यस पानी, पानी तो उनका खोराक है. ऑल द फ्लावर्स सेड, और अब सारे फ्लावर्स ये बोलते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, और हमें हमारे ड्रेसेस अच्छे दिखने के लिए वर्क हार्ड करना होगा, बहुत ही मेहनत करनी होगी. तो भला फ्लावर्स ड्रेस पहनते हैं? नहीं, उनके जो फ्लावर्स है वो जब भी बड़े होते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट है वो सुंदर दिखता है, राइट?
तो ट्रीज और प्लांट्स के जो कपड़े हैं, जो ड्रेसेस है, वो उनके फ्लावर्स है। आपको कभी ऐसे एज्यूम हुआ कि आपने एक ट्री देखा और उस पर फ्लावर्स नहीं है तो वो ट्री कैसे दिखेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, प्रिटी नहीं लगेगा, राइट? फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, और जब चिल्ड्रन आएंगे तब हम अच्छे से ताजा तरोताजा हो जाएंगे और उनको ये अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू, मैं, कौन बोलता है? सन बोलता है मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा। फॉर नथिंग प्लीजेस मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन, और ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे जब गोल्डन सनशाइन में गार्डन में डालूंगा ना, तभी जो वो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो खेलते हैं, उससे मुझे बहुत मजा आता है, उसे देखने में बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, और जब वो सारे बच्चे स्कूल से रिटर्न होते हैं तब वो बड़े ही हंसते हैं और गाते हैं। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन देम, और जो फ्लावर्स गुनगुना रहे थे वो इन बच्चों की आवाज सुनने के लिए स्टॉप हो जाते हैं। ओ लुक एट ऑल टॉल सनफ्लावर्स, ओ ये बड़े बड़े सनफ्लावर तो देखो, सेड वन चाइल्ड, उनमें से एक बच्चा बोला। एंड द सनफ्लावर्स लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और वो अपना जो सिर है वो गर्व से ऊंचा करता है, यानी कि जो सनफ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं। अनदर चाइल्ड सेड, और दूसरा बच्चा बोलता है, आई लव द मैरीगोल्ड इन दिस गोल्डन ड्रेस, और मुझे मैरीगोल्ड पसंद है क्योंकि उसका गोल्डन ड्रेस उस पे सूट करता है। गोल्डन ड्रेस यानी क्या? मैंने आपको बताया था प्लांट का ड्रेस फ्लावर है, तो मैरीगोल्ड का कलर कौन सा है? गोल्डन, राइट? तो मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो गोल्डन ड्रेस पहनता है। तो मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली, और मैरीगोल्ड का जो प्लांट्स है वो हैप्पीली स्माइल करता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, ये जो मैजिक गार्डन है वो रियली रियली जादुई गार्डन है, राइट? ये जो गार्डन था वो सच में जादुई गार्डन है। इट हैड फेरीज टू, और इस गार्डन में तो परियां भी है। दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, और जो परियां है वो ऐसे गाना गाती है कि सिर्फ चिल्ड्रन ही उन्हें सुन सकते हैं, राइट? तो आपको पता है परियां यानी क्या? परी, राइट, जो सपने में आती है, राइट? तो यहाँ पे फेरीज का मैंने मीनिंग लिखा है अ स्मॉल क्रिएचर विथ विंग्स एंड मैजिक पावर, उसके पास पंख होते हैं, वो कहीं भी उड़ सकती है, और उसके पास मैजिक यानी कि जादुई शक्ति भी होती है। After a while the fairies come out dancing and talk with the children. उसके बाद fairies आती है, डांस करती है और चिल्ड्रन के साथ बातें करती है। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उनके ड्रेसेस फ्लावर से बने होते हैं और उनकी जो पंख है वो सनशाइन की तरह पीली होती है। The magic garden was quiet that night, और उस रात को मैजिक गार्डन जो था वो शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर अस्लीप, जो फ्लावर्स और बर्ड्स थे वो सो गए थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और उसके माइंड में नेक्स्ट डे का ड्रीम यानी कि दूसरे दिन के सपने आ रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, और दूसरे दिन बच्चे आएंगे उनके लिए वो सपने देख रहे थे कि ऐसे बच्चे आएंगे, ऐसे हम उनके लिए सॉन्ग गाएंगे और सारे बच्चे खुशी से झूम उठेंगे, राइट? सो हियर प्लीजिंग मींस एंजॉय।
enjoyable, right? So you can see that our activity 3, the story of magic garden had completed. New words. आपको अपनी बुक में लिखना है. वर्कशीट में तो ये न्यू वर्ड्स आएंगे ही, लेकिन जब तक वर्कशीट नहीं आती तब तक आप इस वर्ड्स को अपनी फिर बुक में लिख सकते हो. ऊपर हमें हेडिंग मारना होगा यूनिट 1 वर्ड ऑफ क्लास, उसके बाद ये न्यू वर्ड्स, राइट?